ये गरीबों के समर्थन में डॉक्टरों का टीम है, क्योंकि ये देश जो है ये किसानों का देश है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव आज संग्राम करेंगे, तो उनकी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य आज राबड़ी हाउस के बाहर सब्जी बेच रहे हैं, इस बिल के खिलाफ एक तरह का एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से आप लोग विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव तो सड़कों पर होंगे और आप लोग आज सब्जी बेच के विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी सड़कों पे होंगे और हम भी सड़क पे ही हैं, हम कोई घर में नहीं है, हम सड़क पे ही आके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन का एक तरीका है हमारा लोगों को समझाने का कि किस तरह से ये बिल जो है किसान विरोधी है और किस तरह से ये कॉरपोरेट के हित में किया गया है। वही आज हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी, जो कि आधे मिनट का सिर्फ नुक्कड़ नाटक है, वो हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, कम से कम आधा घंटा, कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे और उसको दिखाएंगे कि किस तरह से ये किसान विरोधी है। किस तरीके से ये किसान विरोधी, अगर मैं पूछूं तो? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहला काम है कि जो न्यूनतम मूल्य समर्थन है वो इस बिल में नहीं है, ये सबसे मूल कारण है। क्योंकि आज के डेट में जब न्यूनतम मूल्य समर्थन था भी तो भी वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता था, और अब कॉरपोरेट के हित में न्यूनतम मूल समर्थन जो है वो हटा दिया गया है। सरकार तो कह रही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल है वो हटाया नहीं जाएगा, भले रिटर्न नहीं है। नहीं, ये क्या मतलब हुआ, इतना बड़ा बिल आप जो है रिटर्न कीजिएगा और जो चीज की डिमांड है वो आप कहिएगा कि वर्बल रहेगा, ये कैसे हो सकता है? आपका है कि वो मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को शामिल किया, बिल्कुल शामिल किया जाए। सरकार एक रेट फिक्स, क्योंकि इसमें क्या है कि सीधे कॉरपोरेट जो है किसान को सस्ते औने पौने दाम में खरीदने की कोशिश करेगी, किसान किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकता है, वो तो मारा जाएगा, वो ऐसे भी बेचारा मारा जा रहा है, ऐसे ही आत्महत्या इतनी हो रही है, और इसके बाद तो मुझे लगता है कि किसान की आत्महत्या की दर भी बढ़ जाएगी पूरे देश में। आज आपको बता दें कि ये एक तरफ सड़कों पर तेजस्वी यादव सड़कों पर संग्राम करेंगे, तो दूसरी ओर चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं वो राबड़ी हाउस के बाहर आंशिक तौर पर सब्जी बेचकर विरोध प्रोटेस्ट करेंगे। इनके हाथों में आप देख सकते हैं प्याज और आलू आपको नज़र आ रहा होगा और लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए एक तरफ तेजस्वी यादव सड़कों पर संग्राम करेंगे, तो आप लोग का जो अनोखा विरोध प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं सब्जी बेचकर, ये गरीबों के समर्थन में डॉक्टरों का टीम है, क्योंकि ये देश जो है ये किसानों का देश है, किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए, कि ये इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसके सपोर्ट में तो सबको, हर आदमी को घर से निकल के उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि हमारी मेन जीविका कृषि ही है, और ये कृषि आधारित देश भी है, हमारा देश कृषि आधारित देश है, ये आज से नहीं है, बहुत शुरू से है, ये सनातन धर्म से कृषि आधारित देश है, इसको जो है पूरी तरह से बर्बाद करना, ये खेल हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। चलिए, हाथों में आलू और प्याज लेकर आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य जो हैं वो राबड़ी हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर संग्राम करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।